होता क्या है कि अगर आपने 2004 में देखा होगा कि मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो समझ लीजिए इसी तरह का मटेरियल है, जैसे आतिशी को मैं बिल्कुल कह सकता हूँ इस तरह का मटेरियल है, तो वो इनडायरेक्ट रूप से कोई ना कोई इसको पीछे से संभालता है। कल के इस्तीफे के बाद जिस नाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा थी कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, लगातार इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे, तमाम नाम तमाम दावेदार इस रेस में थे, लेकिन वो दावेदार निकली आतिशी। जी हाँ, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री घोषित हो चुकी है, अब आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होगी। हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल काफी कम रहने वाला, लेकिन उसके बावजूद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली की जनता से टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की टीम आज जानेगी कि क्या आतिशी से जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पे वो खरी उतर पाएंगी, केजरीवाल का ये जो सियासी दांव है वो कितना काम आ पाएगा। दिल्ली की जनता से आज हम जानने की कोशिश करेंगे, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आतिशी को सीएम चुन लिया गया है, काफी नाम थे उनसे पहले की आतिशी या फिर गोपाल राय या फिर कहा जा रहा था कि सौरभ भारद्वाज, तमाम ऐसे अटकलें थी, लेकिन आतिशी को मुख्यमंत्री के तौर पर कितना आम जनता, दिल्ली की जनता सही मान रही है? केजरीवाल जब तक जेल में थे तब तक वो आतिशी ही एक्टिव थी, और मैं समझता हूँ कि दिल्ली की जनता आतिशी को एक्सेप्ट कर चुकी है, माना ही पड़ेगा। लग रहा है आपको कि आतिशी वो काम कर पाएंगी जो अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में अधूरे रह गए थे? क्या आतिशी दिल्ली का डेवलपमेंट उस स्तर पर लेके जा पाएंगी? मैडम, मैं तो साफ कमजोर, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में काम कर सकते हैं, तो आतिशी को करने में क्या दिक्कत है? आतिशी पढ़ी लिखी है, पढ़े लिखी पे तो हमको घमंड होना चाहिए, कहीं भी काम कर सकते हैं। जो अनपढ़ है वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, पढ़ा लिखा है देश का सीएम है, एक स्टेट का सीएम नहीं बन सकता है। लेकिन इस दौरान ये कहा जा रहा है कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से कि आतिशी सिर्फ एक पपेट की तरह काम करेगी, एक मोमेंटम है, वो मोमेंटम को लाया गया है, कठपुतली की तरह काम करवाया जाएगा, पीछे चेहरा तो केजरीवाल का है। अभी गुजरात का सीएम कौन मैडम, नाम पता है आपको? नाम पता है क्या नाम है? आप बताइए। मुझे तो नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, बट इज जो अभी आप इशारा कर रहे हैं, नायब सिंह सैनी कौन था? हरियाणा का सीएम, वह भी तो कठपुतली सरकार थी। मध्य प्रदेश का सीएम कौन है? मोहन सिंह मोहन यादव करके कोई है, वो भी तो कठपुतली सरकार है। राजस्थान का सीएम कौन है? मतलब आपको लग रहा है कि चेहरा कोई भी हो काम, भारतीय जनता पार्टी करे तो उसके लिए सब ऑल इज वेल, कोई दूसरा करता है तो कठपुतली हो जाए। चलिए, कोई दूसरा चेहरा हो जाए, आपको क्या लग रहा है कि आतिशी कितना काम कर पाएंगी दिल्ली वालों के लिए? अच्छा काम करेगी मैडम। कैसे कि वह केजरीवाल के बारे में आप कह रहा कि इस्तीफा दो, दिल्ली के अंदर में नड्डा लोकसभा में जाकर बैठ गया ना, आज तक इस्तीफा दिया क्यों नहीं दिया? बीजेपी में इसलिए नहीं इस्तीफा दे रहा है क्या? एक पोस्ट पर दो आदमी नहीं रह सकता। सोनिया गांधी इलेक्शन नहीं लड़ी, लोकसभा में जाके भाई इस्तीफा दिया कि नहीं दिया ये बताओ आप। नड्डा को क्यों बैठा हुआ, अभी कितने दिन हो गए इलेक्शन को? 4 महीने हो गए ना, अब ये नड्डा क्यों नहीं दे रहा? बीजेपी अपनी पार्टी को हम ऐसे ही बचाएंगे, इसने भी कोई गलत इस्तीफा देके कोई गलत नहीं किया। ये जो अपना शीश महल के बारे में ये कह रहा है कि शीश महल आज बीजेपी अपनी बहुमत पेश करे ना, ले शीश महल, वो उसको दिल में दुख है कि हमारी को शीश महल नहीं मिले, तो आज की तारीख में 8 सीट है ना बीजेपी की, लाल अपनी बहुमत बना ले, सरकार बनाओ लो। आपको लग रहा है कि वो काम कर पाएंगी? आपको क्या लग रहा है कि आतिशी जो है दिल्ली का वो डेवलपमेंट कर पाएंगी, या फिर आतिशी जो है एक नए चेहरे के तौर पर? देखिए, दिल्ली वासियों ने जो जिस सीएम को प्रोजेक्ट किया और जिस सीएम को देखा वो अरविंद केजरीवाल थे, लेकिन अब इस वक्त वो चेहरा बदल चुका है, कामकाज हालांकि बैकफ्रंट से यही होगा कि अरविंद केजरीवाल करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि आतिशी दिल्ली का भविष्य है? देखिए, शीला दीक्षित के बाद पहली महिला हैं जो मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करेंगी, नाम घोषित हो गया है, और मुख्यमंत्री के जेल जाने के बाद से वो काफ़ी एक्टिव हैं राजनीति में। आप देखें काफ़ी सारे विभाग भी उनके पास हैं, पढ़ी लिखी हैं, उस पर काम भी कर रही हैं, तो निश्चित तौर पे वो मुख्यमंत्री पद भी अच्छे से संभालेंगे, और उसको आगे जो काम अभी तक रुके हुए हैं उनको वो आगे डेवलपमेंट करेंगे और दिल्ली को आगे प्रगति की ओर लेके जाएंगी। आतिशी को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, यहाँ तक कि स्वाति मालीवाल जो पहले आम आदमी पार्टी में थी उन्होंने ये तक कहा है कि ये वही आतिशी है जिनसे घर वालों ने अफजल गुरु को ये कहा था कि उसको फांसी मत दीजिए, इसको लेकर याचिका तक लगाई गई थी। अब ऐसे में इन तमाम तरह के सवालों के बीच आपको लग रहा है कि आतिशी वो काम कर पाएंगी? नहीं, आतिशी बिल्कुल काम करेंगी। आप देखिए, अभी आज आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल से खुद इस्तीफा मांग लिया है, अगर उनके साथ गलत हुआ था तो उसे उन पार्टी में रहना ही नहीं चाहिए था, उन्हें तो तभी इस्तीफा दे देना चाहिए था, पर नहीं दिया। आज
आम आदमी पार्टी ने खुद उनसे इस्तीफा मांग लिया कि आप इस्तीफा दीजिए, अगर आप किसी कंपनी में हैं, आप जॉब करती हैं, आपके साथ कोई मिसबिहेव होता है, आप तो तत्काल रिजाइन देंगी, आप छोड़ेंगी ना उसको, आप यानी उसके जो भी आपके खिलाफ हुआ आप वहाँ पे ठीक है, आपने कोर्ट में मामला गया, मीडिया में भी आया, सब जगह आया, लेकिन आप वहाँ पे रहेंगी नहीं ना, इस्तीफा देंगी, उसके इस्तीफा के बाद भी तो आप काम कर सकती ना, जो भी केस कोर्ट में गया या मीडिया में या चल रहा है वो चलेगा, अपना काम करेगा, फिर आप वहाँ पे उस पद पे क्यों बनी हुई है, आपके साथ गलत हुआ है, जो भी हुआ उसकी जांच चल रही है, कोर्ट में मामला है, जो भी होगा सब होगा, मुख्यमंत्री जी को बेल मिली हुई है, बेल पे बाहर आए हैं, अगर वो काम नहीं कर सकते थे कंडीशन लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा है कि ना तो वो साइन कर सकते हैं, ना वो ऑथराइज पर्सन है, ना ही वो ऑफिस जा सकते हैं, इसका मतलब दिल्ली का काम रुकने वाला था और इसी वजह से आतिशी को प्रमोट किया गया, ये लग रहा है आपको, इसीलिए प्रमोट भी किया कि दिल्ली के काम भी ना रुके और चुनाव भी आ रहा है तो, और जब काम नहीं कर सकते तो पद पे बैठ के कोई फायदा भी नहीं था, तो दिल्ली का काम ना रुके तो जिस पे आगे जाके वोट भी मांगेंगे, आगे भी पॉलिटिक्स करना है, जाना है, आगे की भी तैयारी करना है, तो इसलिए उन्होंने अपने पद से हट के उनको बना दिया, क्योंकि वो काफ़ी सक्रिय भी थी, पार्टी की महिला भी है, वरिष्ठ भी है, महिला ग्रुप में अच्छी बात है, काम करेंगे बिल्कुल डेवलपमेंट होगा, और उन्होंने कहा भी है कि मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल ही हैं, लेकिन अभी जब तक चुनाव नहीं होते हैं तब तक वो कारभार संभालेंगे। बिल्कुल, ये बात आती जी कह चुकी हैं कि मुख्यमंत्री बेशक वो हैं लेकिन कार्यभार अभी भी अरविंद केजरीवाल के तौर पर वो संभालते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि महज 4 साल हुए हैं आतिशी को विधायक से सीएम तक पहुँचने में, ये सीएम की दावेदारी आतिशी को और कितनी बड़ी चुनौती के रूप में देखने को मिलेगी, आम जनता हमारे साथ है, उनसे हम जान रहे हैं, आतिशी को नए सीएम के तौर पर दिल्लीवासी कैसे देख रहे हैं? अभी जो भी फैसला लिया है आम आदमी पार्टी ने बहुत चीप एंड बेस्ट लिया है, आतिशी को दे रहे हैं, तो वो पढ़ी लिखी महिला है, वो अनपढ़ थोड़ी है कि अब क्या बोलें, आप देख रहे हो देश की हालत क्या हो रही है, आम लोगों की हालत देख ही रहे हो आप, आए दिन कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, पब्लिक परेशान हो गई है, खासतौर से बीजेपी से परेशान हो गई है। बीजेपी कह रही है कि कठपुतली कितना लाया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है, बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो सब दूध के धुले हुए हैं और बाकी सब गंदे हैं, हमने तो एक बात मान ली है दिल्ली वालों ने खास तौर से कि हाँ भाई तुम सही हो और बाकी सब खराब हैं, हमने एक ही बात मानी है दिल्ली वालों ने, हमारे लिए चीप एंड बेस्ट केजरीवाल, केजरीवाल सबसे बेस्ट दिल्ली वालों के लिए, ऐसा आम जनता कह रही है। लेकिन आतिशी के अलावा भी तमाम नाम थे, अगर हम बात करें दावेदारी की तो आतिशी के अलावा चाहे सौरभ भारद्वाज हो या बात करें गोपाल राय की, बड़े सीनियर लीडर्स भी थे, 7 ऐसे दावेदार थे जिनको लग रहा था कि बनाया जा सकता है, राखी बिड़ला भी उसमें से एक नाम थी, उसके बावजूद भी आतिशी को चुन लेना, क्या आपको लग रहा है कि ये सही है? कुछ तो आप बताइए। आतिशी ठीक है, हमारे समझ से अच्छी है, और ये आम आदमी पार्टी को बहुत संभाल के रखी है, जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो पूरा मीडिया का कवरेज भी और काम भी अच्छी करती है और अच्छी है, हमारे समझ से ठीक है। अच्छी, आपको क्या लग रहा है कि आतिशी दिल्ली के लिए, अब देखिए इलेक्शन है अगले साल, उन इलेक्शंस को लेकर जो कामकाज होना चाहिए दिल्ली वालों के लिए, अब इलेक्शन का माहौल शुरू हो चुका है, वो आतिशी कर पाएगी, उतना काम कर पाएगी? बहुत समझदार लेडी है, बहुत पढ़ी लिखी लेडी है, और ऐसी लेडी है जो मतलब जिसको जो एक चीफ मिनिस्टर मटेरियल है, लेकिन होता क्या है कि अगर आपने 2004 में देखा होगा कि मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, जो समझ लिए इसी तरह का मटेरियल है, जैसे आतिशी को मैं बिल्कुल कह सकता हूँ इस तरह का मटेरियल है, क्योंकि दिल्ली में जो शिक्षा की ज़रूरत है, जो मतलब शिक्षा नीति है वो, हाँ हाँ, और आतिशी बहुत ही मतलब कुछ टीचर से रिलेशन है ना उसका, ज़्यादा टीचिंग से रिलेशन है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं ना वो एक पर्सन पर या एक फैमिली पर डिपेंड है ज़्यादातर, तो वो इनडायरेक्ट रूप से कोई ना कोई इसको पीछे से संभालता है, तो आतिशी के केस में भी यही होगा, तो मतलब चेहरा बदल गया मुखौटे के तौर पे, ये आप कह रहे हैं? है तो उसी पार्टी का ना, अगर आप एक बात सुनिए, आतिशी जो है वो उसी पार्टी की कार्यकर्ता या उसी पार्टी की वर्कर है या उसी पार्टी की एम्प्लॉय है, इस तरीके से आप ले लीजिए ना कि भाई हम आज मैं एग्जीक्यूटिव नहीं रहा, मैं डायरेक्टर नहीं रहा, आज मैंने डायरेक्टर चेंज कर दिया, लेकिन कंपनी में तो वोट मेरे हैं ना अभी भी, तो मतलब वोट शेयर्स तो मेरा है ना सारा, तो अभी भी मेरी बात चलेगी, जो मैं बोलूंगा वही डायरेक्टर करेगा। देखिए दिल्ली की जनता ने अब कई मुख्यमंत्री देखे हैं,
तीसरी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी को वो देख रही हैं। इससे पहले सुषमा स्वराज, क्योंकि बीजेपी जो महिला को प्रमोट कर रही है इस बार चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, इसमें दो नाम है, एक स्मृति ईरानी का और एक वरासी स्वराज का, और स्मृति ईरानी भी लीड में है, मतलब वो आगे है। मतलब कॉम्पिटिशन तगड़ा रहने वाला है। जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि सुषमा स्वराज भी रह चुकी है, शीला दीक्षित ने 15 साल तक एक लंबा जो है रहा है, 52 दिन की रही थी वो, 52 दिन का उनका कार्यकाल रहा था और साथ में। लेकिन आपको क्या लग रहा है, आतिशी वो काम कर पाएगी दिल्ली वालों के लिए? क्या उम्मीदें लग रही है, कितना बदलाव दिल्ली वासी देखते हैं आतिशी के रूप में? नहीं देखिए, एजेंडा तो केजरीवाल जी जो चला रहे थे वही रहेगा, उसमें कोई खास बदलाव होगा नहीं, क्योंकि आतिशी जी अपने मन का कर नहीं पाएंगे, जो केजरीवाल जी कहेंगे वही करना पड़ेगा। केजरीवाल जी तो मजबूरी में रिजाइन दिए ना, क्योंकि उनके पास जब पावर ही नहीं रहा तो इसलिए उन्होंने रिजाइन दे दिए। अगर पावर रहता तो आज भी रिजाइन नहीं देते। अगर इतना ही नैतिकता था केजरीवाल जी का तो 4 महीना पहले देते, जब अरेस्ट हुए थे तब तो दिए नहीं। अब जब कोर्ट ने बड़ी कर दिया और बोला आपके पास मतलब शक्ति विहीन CM आप रहेंगे, तो उन्होंने सोचा। मतलब आपको लग रहा है ये पॉलिटिकली पूरा किया गया काम है, पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं ताकि उनके ऊपर सवाल भी ना उठे और एक दिल्ली को मुख्यमंत्री भी मिल जाए? देखिए, ये मेरा नहीं कहना, ये सब वो मतलब हर कोई जो जानता है, वो राजनीति को जानता है, परखता है, वो सब कोई जान रहा है, जो यही सच्चाई है, सच्चाई से मुकर नहीं। भाई उनके पार्टी के लोग भी जानते हैं, अभी भी मैं अपने ऑफिस में था तो उनके पार्टी के भी कार्यकर्ता सब हैं, तो वो लग यही बात ऑफ द कैमरा बोल रहे थे, ऑन द रिकॉर्ड थोड़े ना बोलेंगे, ऑन द रिकॉर्ड तो कोई नहीं बोलेगा, ऑफ द रिकॉर्ड तो उनके जो वर्कर है वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं जो यही बात है। लेकिन हम ऑन द कैमरा, टाइम्स नाउ भारत की टीम ऑन द कैमरा आप लोगों से यही पूछने की कोशिश कर रही है कि आतिशी वो चेहरा है, और लेकिन आतिशी के अलावा कई ऐसे दावेदार थे, आपको लग रहा है कि उनको कहीं ना कहीं साइडलाइन किया गया बड़े सीनियर लीडर से? ये सौरभ भारद्वाज का नाम था और वो जो गोपाल राय जी थे, गहलोत, कैलाश गहलोत जी थे, इनका भी नाम आ रहा था, लेकिन सबसे करीबी इनका यही थे आतिशी, हमेशा से शुरू से ही आतिशी सबसे करीब केजरीवाल जी का सलाहकार वो रही हैं, मनीष सिसोदिया की। इसके अलावा 4 महीना पहले भी स्वाति मालीवाल के खिलाफ जो केस हुआ था उसमें सबसे प्रमुख चेहरा कौन था, यही डिफेंड कर रहे थे इनको, केजरीवाल जी को, वही आए महिला होकर भी महिला के दुख में शामिल ना हुए, तो क्या दिल्ली के महिला के दुख? अभी भी स्वाति मालीवाल ने कई तरह के सवाल उठाए उनको।